हेलो एवरीवन, आई एम मोहित बरनवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपने नीट के प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से बच्चे या स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हुए भी उनके लिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या नीट में सिलेक्शन के लिए कोचिंग नेसेसरी है, या फिर आप बिना कोचिंग के भी सिर्फ सेल्फ स्टडी और विद यूट्यूब से यूट्यूब का हेल्प से भी आप अपना नीट में सिलेक्शन हो सकता है। आप इस सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं अपने बारे में आपको एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम मोहित बरनवाल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स देवघर। आई हैव क्लियर नीट 2021 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, स्कोरिंग मार्क्स ऑफ 639 आउट ऑफ 720 एंड गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 6180 only from self study and YouTube. It's not just only a strategy, it's my personal experience. इस वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो एक तरह से सवाल जो मुझे भी बहुत कन्फ्यूज, मतलब एक दो साल पहले मुझे भी कन्फ्यूज कर रहे थे कि शायद मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन तो वो सब जो है ना, जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप ना करें, सो दैट आपका रैंक और मेरे से भी अच्छा है। मतलब कि जो हम बाद में हमको सीख हम जो बाद में सीखे जो हमको बाद में पता चले वो आपको मैं पहले ही बता दूं, सो दैट आपको वो हेल्प करे। तो एक और सबसे पहला बात ये है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, भेड़ चाल में चले जाते हैं कोचिंग में कि मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा रिलेटिव जा रहा है, तो हम भी कोचिंग में एडमिशन करा लेते हैं सो दैट मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन याद रखिए, कोई भी कोचिंग आपको गारंटी नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन नीट में हो ही जाएगा। हाँ, ये एक आपको एक पाथ या जर्नी जरूर बना के देता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपका ये पढ़ने के लिए बता देता है ऐसा ऐसा, तो उसके लिए ही तो हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको वो देखना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो और आप एक बात याद रखिए कि आपका ये जो है ना एफर्ट्स और आपका जो सेल्फ स्टडी है, आप घर पर कितना मेहनत कर रहे हैं, वही आपका मतलब कि डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। दूसरा बात, आप अगर रेडी हैं मतलब कि स्मार्ट और हार्ड वर्क करने के लिए तभी इस वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। और एक बात याद रखिए, मेरे से बहुत पहले भी मतलब कि सेल्फ स्टडी से विदाउट कोचिंग मेरे से पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं, मेरे से अच्छा रैंक आया, जैसे मेरा 6000 के करीब रैंक आया, तो अंडर 1000 के अंदर, अंडर 100 मतलब 100 के अंदर भी रैंक आया है सिर्फ सेल्फ स्टडी विदाउट कोचिंग से। तो इतना ही बात है, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं। हाँ, हम बताएंगे कि आपको यूट्यूब से कौन कौन सा चैनल है जो आप फॉलो करें तो आपको वो हेल्प करेगा। सो क्या डिफरेंस होता है एक कोचिंग वाले स्टूडेंट में और एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट में? तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो कोचिंग में होते हैं ना, उनका कोचिंग में एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो होता है। जैसे कि आपको पता रहेगा कि उनको एक रूटीन मिलता है कि जैसे आज टीचर हम मेरे फिजिक्स में ये पढ़ाने वाले हैं, बायोलॉजी में ये होगा, केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स होगा, तो और क्या है, उनको तो उनको पता है, तो वो पढ़ते हैं वो टॉपिक उस दिन पढ़ लेते हैं। जैसे तो आप क्या ये घर पे नहीं कर सकते हैं कि आप जैसे कि आप फिजिक्स पकड़ लीजिए, केमिस्ट्री पकड़ लीजिए, बायोलॉजी पकड़ लीजिए, उसमें फिजिक्स में आप कुछ दो टॉपिक ले लीजिए, फिर केमिस्ट्री में एक दो टॉपिक और बायोलॉजी में कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए आप उसको। तो इसी तरह आप जब भी पढ़ें डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स लेके पढ़ें कि इस दिन पर्टिकुलर डे में, जैसे आज मंडे है तो हम मंडे को ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये बना के पढ़िए। ये मत आप पहले बुक खोल लीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा आज हम क्या पढ़ेंगे, नहीं, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप पढ़ने जाइए। तो हमें बोल रहे हैं वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स लेकर पढ़िएगा। ये आप अगर घर में कर लेंगे तो ये आपका सेल्फ रूटीन बनेगा कि हमको आज ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज जो एक कोचिंग वाले स्टूडेंट और सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करती है वो है कोचिंग का पर्टिकुलर टाइम। कोई भी कोचिंग होता है, कोई भी कोचिंग क्लासेस हो तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे सुबह को होगा तो 9 से 3 का क्लासेस चलता है, या तो शाम को होगा तो 3 to 9 का क्लासेस चलेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो और आपके पास पर्टिकुलर है कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या ये पर्टिकुलर आप शाम का 3 to 10 वाला टाइम पढ़ने के लिए फिक्स नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ इस टाइम में आप सिर्फ पढ़ोगे और कुछ नहीं करोगे? तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर डेली का शेड्यूल बना के डेली रूटीन फॉलो करना है। तीसरी चीज जो एक कोचिंग वाले स्टूडेंट और एक मतलब कि सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है वो है
क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ही कोई कोचिंग में कोई भी आपका चैप्टर मतलब कंप्लीट होता है तो उनको ढेर सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने होते हैं, करवाते हैं, सो दैट आपका वो पकड़ बन जाए, मतलब कमांड हो जाए वो उस चैप्टर पे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, या और सेल्फ स्टडी के लिए मतलब मैंने यूट्यूब से कौन कौन से चैनल फॉलो किए थे। तो मैंने यूट्यूब में किस चैनल को फॉलो किया था अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो वो था PW फिजिक्स वाला सर के एक चैनल है कंपटीशन वाला, उसमें 2021 में एक उम्मीद बैच करके मतलब कि लॉन्च हुआ था, फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट कोर्स है, वहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, पूरा कंटेंट है, तो वहाँ से एक प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन लास्ट में, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने किया था, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है आप YouTube में उम्मीद 2.0 करके सर्च कीजिएगा, कंपटीशन वाला लिखिएगा, तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी पूरा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप 12th के स्टूडेंट भी है, मतलब आपका 12th भी साथ साथ चल रहा है और इस साल आप नीट भी देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको इस साल जो है ना वो द्रोणा नीट करके एक मतलब लॉन्च हुआ है, वही YouTube में वो भी फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये इससे क्या होगा पता है, आपको इसमें 12th बोर्ड में भी हेल्प हो जाएगा और आपका वो नीट का प्रिपरेशन भी होगा। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th का सिलेबस द्रोणा नीट से करना है, और 11th का सिलेबस आप उम्मीद 2.0 से कीजिएगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपका द्रोणा नीट में आपका DPP सीट भी है, जिससे आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। तो आप YouTube से यहाँ पे हेल्प कर ले सकते हैं, तो आप यहां से अपना वीडियो लेक्चर देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और यहां से आप कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप जब भी यूट्यूब से वीडियो देखें तो वीडियोस को यूट्यूब में डाउनलोड करके लेक्चर्स देखें, मतलब तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वीडियोस को जो है ना डाउनलोड करके देखें, डाउनलोड करें, सो दैट आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो। एक बात जो बहुत प्रॉब्लम करता है कि आप जाइएगा यूट्यूब में लेक्चर देखने और देखने लगिएगा मूवी, तो ये आपको नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये गलती मुझसे बहुत बार कभी कभार हो गया था, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आप अगर यूट्यूब को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एज स्टडी के लिए यूज़ कीजिए, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि जब इतना सारा कंटेंट यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है तो लोग उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं। हाँ, लेकिन जो यूटिलाइज करते हैं उनका अच्छा से रैंक आ जाता है, इंक्लूडिंग मी, और भी बहुत, आपको तो पहले ही बताएं कि टॉप 100 में भी उनका विदाउट कोचिंग सिलेक्शन हुआ है। अभी तक बात हुआ कि आप मतलब कि जो वीडियो लेक्चर्स है वो कौन से चैनल से आप देखेंगे, वो तो बता दें आपकी उम्मीद 2.0 से देख लीजिएगा क्लास 11th का सिलेबस, और क्लास 12th का सिलेबस द्रोणा नीट से देख लीजिएगा, सो दैट आपको बोर्ड्स में भी हेल्प हो जाए और आपका नीट क्लियर हो जाए दोनों एक साथ, ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। अब बात करें कि ये तो था कि आपका जो कोचिंग का एक कमी होता है वो आपका YouTube पूरा कर रहा है। अब आता है कि आप घर पे कैसे मेहनत कीजिएगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए आप सबसे पहले जो है जो ईच चैप्टर है, जैसे आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर पकड़ते हैं एनिमल किंगडम, जैसे क्लास 11th में था, और या फिर आप क्लास 12th में मॉलिकुलर बायोलॉजी है तो वो ले लीजिए। तो आप जो है ना किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को वीडियो लेक्चर यूट्यूब में देखने से पहले उसका एक रफ रीडिंग लगा लीजिए। तो रफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, रफ रीडिंग का मतलब एक बार तो आप बस उस चैप्टर को रीड कर लीजिए, सो उसमें आपको होगा क्या पता है, वो जो न्यू वर्ड्स होगा ना आपके लिए वो आपका दिमाग में फीड होगा, मतलब आपको ब्रेन को मतलब वहाँ पे जब वीडियो लेक्चर तो वहाँ ले आने लगेगा, आपको पहले से ही एक दो वर्ड पता रहेगा। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी में एक बार रफ रीडिंग लगा लीजिएगा NCERT से, NCERT इज द गॉड फादर बुक फॉर बायोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पहले वहाँ से रफ रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद आप रफ रीडिंग लगाने के बाद उस चैप्टर का आप वहाँ से यूट्यूब से उसका वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको उम्मीद 2.0 या फिर उसका क्या नाम है द्रोणा नीत से वहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है कि अब आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, अब आपका क्या है माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है कि ऐसे ऐसे करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप फिर से दोबारा उस चैप्टर को पढ़िए NCERT बायोलॉजी बुक से, उसके बाद आप देखिएगा ना कि आपको सारा वर्ड्स अब मतलब कि मोर उससे ज़्यादा समझ में आने लगेगा। अब क्या कीजिए, आप हाइलाइटर या पेंसिल से मार्क कीजिए NCERT बुक में,
और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी पेज में ही तो कितना मतलब कि कॉर्नर्स पे कितना स्पेस रहता है वहां पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर आपको और भी पॉइंट्स लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर ले सकते हैं उसका आप हाफ पार्ट, जैसे ये आपका एक पेपर है तो एक पेपर ले सकते हैं इसका हाफ पार्ट आप कीजिएगा, और वही बुक में क्या कीजिएगा उसको आप मतलब कि जो पॉइंट आपको इसमें लिखना है और उसको बुक में ही डाल दीजिएगा आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में, तो आपका वही नोट्स बन गया। ऐसे आप सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये भी बता रहे हैं आपको ऐसा भी कर सकते हैं, सेपरेट नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात है आपको केमिस्ट्री कैसे करना है, तो केमिस्ट्री के लिए भी बोल रहे हैं आपका ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से तो पूरा एनसीईआरटी का से ही क्वेश्चन आ जाता है आपका नीट में। और हाल फिलहाल 2017 के बाद क्या है, मोर जो है ना एनटीए जो है पूरा फोकस कर रहा है किस पे, आपका एनसीईआरटी पे ही, मतलब लगभग लगभग सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आपका बोल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए भी आपको, केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करना है। ठीक है, और हाँ तो पहले पहले आप वही यूट्यूब से आपका वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देखने के बाद अब आप उस चैप्टर को पर्टिकुलर आपको पढ़ना है बुक से, बुक से पढ़ लीजिएगा। और एक बात याद रखिए, साथ में आपको क्या करना पता है, वहां पे हम बोले थे डीपीपी सीट और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां करवाया जाएगा, वो भी कर लीजिएगा। अब आता है आपका लास्ट में फिजिक्स, जिसमें आपका मार्क्स मतलब क्या बोले आप लोग का नहीं कटे वही अच्छा बात है, फिजिक्स सबसे अच्छा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप फिजिक्स का बता रहे हैं। तो फिजिक्स आपको क्या कर रहे हैं, फिजिक्स आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता है, हम किए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जो है ना उसका नोट्स बना लीजिए, फिजिक्स का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको क्या बोले जो मतलब बुक से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स जो है ना उसका आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स का आप जरूर से जरूर नोट्स बनाइएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिए उसका नोट्स बना लीजिए, उसमें जो डीपीपी का सीट मिला होगा वो उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, आप इतना कर लीजिए, ये तो आपको इनफ हेल्प करेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे मैंने वीडियो लेक्चर यूट्यूब से देख लिया, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ लिया और कुछ जो डीपीपी का सीट था वो भी मैंने सॉल्व कर लिया, तब अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे भी आप जैसे ही आपका जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जैसे आपका मान लेते हैं कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो वो जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसका चैप्टर से रिलेटेड आप जो है ना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले चैप्टर पढ़ने के बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो आपको एक क्या होगा क्योंकि हर साल जो है ना मतलब 30-40% तो क्वेश्चन ऐसे ही पीवाईक्यू से रिलेटेड ही आ जाता है, तो आप जो है मतलब ये सब मतलब पढ़ने के बाद पहले नहीं लग जाएगा पीवाईक्यू करने, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ एक बात याद रखिएगा, जो आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो जो होगा ना वो आप 2010 या 2015-16 के बाद वाला क्वेश्चन सर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 2015-16 से पहले मतलब क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत आता था, लेकिन एक ये आपका 2015-16 के बाद जो है वो पूरा खासकर आपका बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो याद रखिएगा कि आप जो जब भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो खासकर बायोलॉजी में या अदर सब्जेक्ट में भी वो आप 2010 या 2015-16 के बाद वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ, तो अगर आप मतलब कि आपको तो एक दो चैनल मैंने बता दिया कि आपको यूट्यूब से कहाँ पढ़ना है, अगर इसके अलावा आपको और कोई चैनल भी है जो यूट्यूब में आपको पसंद आता है तो आप वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं, वैसा कोई नहीं है कि फिक्स है आपको इसी चैनल से पढ़ना है या उसी चैनल से पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है आपको जो यूट्यूब चैनल पसंद आता है आप उससे पढ़ाई कीजिए, बस आपका आपका शेड्यूल बना के रूटीन के साथ पढ़ना है आपको। ठीक है, एट लास्ट मैं वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, डोंट बी इन कंफ्यूजन, फॉलो द स्केड्यूल एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ एज अ मेडिको। आपको प्रिपरेशन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उस पर उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर हम आपका कमेंट का रिप्लाई करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।